الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من البصير. आज के इस दरस में मुख्तसर वक्त में इनशा जो बातें आपके सामने रखनी हैं वो शब मज के ताल्लुक से है आज के दरस में हम तीन बातें देखेंगे इख्तसार के साथ क्योंकि एक लंबा मौजू है बड़ा मौजू है लेकिन हम मुख्तसर वक्त में तीन बातें देखने की कोशिश करेंगे एक तो ये कि ये वाकया पेश कब आया है किस दौर में ये वाकया हुआ है और दूसरे ये कि ये जो वाकया है इसका मुख्तसर तौर पे हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ इसमें इख्तसार से और तीसरे ये देखेंगे कि इस वाकये के ताल्लुक़ से जिस रात में ये वाकया हुआ हमारे समाज में इसको लेकर के क्या क्या बातें आज लोगों के अंदर या समाज में जो किया जाता है या मनाया जाता है उसकी क्या हकीकत है पहली बात जो हम देखेंगे कि ये वाक्य कब पेश हुआ है देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में अपनी दावत शुरू किया आपने मक्के में अपनी दावत को जब शुरू किया तो शुरू शुरू में लोग बहुत सारे मुखालिफिन थे नहीं मानने वाले थे तो उन्होंने इतना ज़्यादा आपको सीरियस नहीं लिया उनको ऐसा लगा कि ठीक है अभी बोल रहे हैं कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे अपनी बात जैसे होता है शुरू शुरू में कोई आदमी इतना ज़्यादा किसी को सीरियस नहीं लेता है तो जब अल्लाह के नबी वसल्लम ने अपनी दावत मक्का में शुरू की तो जो मुखालिफिन थे आपके उन्होंने आपकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया आपकी दावत को इतना ज्यादा अहम नहीं समझा लेकिन धीरे धीरे जब आपकी दावत को मानने वाले लोग बढ़ते चले गए दिन ब दिन आपकी दावत को कबूल करने वाले लोग एक एक दो, दो आते चले गए और दावत बढ़ती चली गई लोग अफराद बढ़ते चले गए तो मक्का वालों को जो मुखालिफिन थे वो थोड़ा संजीदा हो गए अब उन्होंने सीरियस ले लिया इसको अब वो इस दावत को कुचलने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी दावत से रोकने के लिए उन्होंने पूरा प्लान कर लिया और हर तरह से मुखालिफत और आपकी दावत को रोकना आपको सताना और परेशान करना अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया शुरू कर दिया कभी ऊंट की ओझड़ी ला करके सर पे डाल देना नमाज की हालत में कभी सर पे मिट्टी डालना बाजार में चलते वक्त मतलब तरह तरह से आपको डिस्टर्ब करना और किसी तरह से हर तरह से परेशान करना उन्होंने शुरू किया ये वो दौर चल रहा था उनकी मुखालफत चल रही थी कि अचानक जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो सहारे दुनिया से चले गए एक सहारा जो आपकी दावत को मानने वाला था मानने वाली शख्सियत थी जो आपकी दावत को कबूल करने वाली शख्सियत जो आपकी जोज मोहतरमा खदीजा रजी अल्लाह बीवी, उनका इंतकाल हो गया दस नबवी में नबूवत के दस साल के बाद जिन्होंने अपनी पूरी दौलत नबी की दावत के लिए निछावर कर दिया था और नबी जब परेशान होकर के बाहर से आते थे तो घर का घर के अंदर तसली देने वाली सहारा देने वाली रत खदीजा रजी अल्लाह नबी फरमाते मेरा कोई ऐसा गम नहीं था जो मैंने खदीजा को बयान किया और उसने अपनी बातों से हल्का नहीं कर दिया इनका इंतकाल हो गया और बीवी का इंतकाल होना ये मामूली बात नहीं होती एक आदमी के लिए जिंदगी में बीवी का इंतकाल होना एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा टेंशन होता है तो नबी की बीवी का इंतकाल हो गया घर का सहारा एकदम टूट गया आप जहनी तौर पे एकदम डिस्टर्ब हो गए और हजरत खदीय अन्हा के इंतकाल से पहले अबू तालिब का इंतकाल हो गया एक महीना या कुछ दिन पहले जो बाहर का नबी के नबी का सहारा थे घर उन्होंने आपकी दावत कबूल नहीं किया लेकिन आपकी दावत के लिए सियासी लेवल पर समाजी लेवल पर बहुत बड़ा सपोर्ट है अबू तालिब की वजह से अल्लाह के नबी सल्लम को कोई बोल नहीं पाता था यानी कोई आपकी दावत यानी खुल के मुखालिफत नहीं कर पाता था क्योंकि अबू तालिब खड़े रहते थे हर जगह वो डटे रहते थे तो अबू तालिब एक समाजी लेवल पर बहुत बड़ा सहारा थे नबी की दावत के लिए उनका भी इंतकाल हो गया खदी रजिय के इंतकाल से कुछ दिन पहले ये नबी के दो सहारे जो इतने बड़े सहारे थे एक बाहर का सहारा एक घर का सहारा दोनों दुनिया से इंतकाल कर गए नबी की जिंदगी एकदम परेशान हो गई बाहर से लोगों की तकलीफें और बातें के घर में आए तो यहां सहारा देने वाला कोई नहीं और बाहर आपकी मुखालिफत जो होती थी उसको भी रोकने वाला कोई नहीं यही वो दौर है जब आप परेशान थे बिल्कुल मक्के में आप एक उम्मीद लेकर के मक्का से बाहर ताइफ गए यही दौर है कि मक्का में कोई मानने वाला नहीं है कोई सहारा देने वाला मक्का में नहीं है तो मक्का के बाहर हो सकता है कोई सहारा मिल जाए कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मेरी दावत के लिए एक सहारा बन जाए आप एक उम्मीद लेकर के ताइफ की तरफ निकलते हैं आप ताइफ गए तो वहां पर भी वो वाकया पेश आया जो आपकी तवक्को और आपके उहमो गुमान में भी नहीं था आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि वहां जब आप गए तो ना तो उन्होंने आपकी दावत को कबूल किया और ना ही उन्होंने वहां आपको ठहरने दिया और ना ही उन्होंने आपको अपने हाल पे छोड़ा बल्कि उस ताइफ के या उस शहर या उस गांव के जो बदमाश किस्म के लड़के थे उनको आपके पीछे लगा दिया मजाक उड़ाना सताना पत्थर मारना जो भी उन्होंने किया आप सोचें ये वो सिनारियो है ये दौर है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से एकदम टूट चुके थे घरेलू जिंदगी से बाहर की जिंदगी और मक्का के बाहर से भी आपको कोई सहारा नहीं दिया ये वो दौर चल रहा था इसी दौर में एक वाकया पेश आता है इसी दौर में अल्लाह ताला की तरफ से नबी की जिंदगी में एक वाकया पेश आता है और वो वाक नबी के लिए एक तसली होता है कि मेरे महबूब आपको इस जमीन पर सहारा देने वाला कोई नहीं है आपकी दावत को मानने वाला कोई यहां नहीं आप परेशान हो चुके हैं आप आसमान में आके देखो आपका मकाम क्या है आपकी इज्जत क्या है आपका मर्तबा क्या है ये जमीन पे आपको कोई नहीं जानता है आप आसमान में आके अल्लाह ने इसी दौर में नबी को इसरा और महराज कराई तो पहले ये दौर हमने देख लिया कि इसी दौर में नबी की नबी की महराज हुई है जब आप पूरी तरह से टूट चुके थे बेसहारा हो चुके थे ऐसे दौर में अच्छे अच्छे लोग मायूस हो जाते हैं ऐसे दौर में जब आदमी चारों तरफ से मायू टूट जाता है तो अपनी दावत बंद कर देता है कितने लोग अपना अपना मकसद ही छोड़ देते हैं और अपने आप को बचाने के पीछे लग जाते हैं लेकिन अल्लाह के नबी वसम अपने मकसद में डटे रहे अल्लाह ताला ने तपको और मेराज कराई उसी दौर में तो ये पहला जो है हमारा पॉइंट था दूसरी बात अब हम देखेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी में ये वाकया हुआ है ये वाकया क्या है इख्तिसार से हम देखेंगे क्योंकि वक्त के किल्लत के एतबार से हम ये वाकया इसलिए देखेंगे कि ये वाकये में क्या है इस वाक में तो एक तो ये कि नबी को तसल्ली है अल्लाह ताला ने आसमान में बुला के आपको तसल्ली दिया ताकि आपकी हिम्मत आपकी कुत बढ़ जाए और दावत के लिए आप खड़े रहें एक तो ये था दूसरे इस वाक में पूरी उम्मत के लिए एक मैसेज था बहुत सारा मैसेज है इस वाकई में तो इसलिए हम ये वाक थोड़ा सा जो है देखेंगे ताकि हमको इस मौके पर मालूम हो जाए कि क्या है ये वाकया जो मैंने आयत पढ़ी शुरू में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में किया है थोड़ा इतार से किया है एक आयत बनी इसराइल की शुरू की और थोड़ा नजम में है थोड़ा थोड़ा है लेकिन तफसील मुकम्मल आपको हदीस में मिलेगी इसरा और मेराज की तो कुरान में अल्लाह ने जो जिक्र किया है जो मैंने अभी आयत पढ़ी सुबह अल्लाह फरमाता है कि पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई ताकि अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाए ताकि नबी को बड़ी बड़ी निशानियाँ अपने बंदे को दिखाए जो उसने जो है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बरकत दे रखी थी अल्लाह ताला उसको दिखाना चाहता था इन् बसीर और वो सुनने वाला और देखने वाला इतना अल्लाह ने सुर बन इसराइल के शुरू में जिक्र किया है हम देखते हैं कि ये वाकई में क्या हुआ देखिए ये जो वाक्य ना इसरा और मेराज इसका दो हिस्सा है एक को इसरा कहते हैं और एक को मेराज कहते हैं इसरा कहते हैं जमीन से जमीन का सफर इसमें दो हिस्सा है एक तो ये कि आपने जमीन से जमीन का सफर किया उसको इसरा कहा जाता है रात में चलना और एक है जो आपने जमीन से आसमान का सफर किया उसको मेराज कहा जाता है लेकिन दोनों को एक साथ बोल दिया है मेराज ऐसा बोल दिया जाता है मेराज लेकिन इसके दो हिस्से हैं एक को इसरा और एक को मेराज इसरा कहते हैं जमीन से जमीन का सफर जो आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए उतने वाक, उतने वक्त हिस्से को इसरा कहा जाता है ये जमीन का सफर था जो आप सवारी से गए और उसके बाद आप बैतुल बैतुलमक से आसमान की जानब गए वो मेराज है वो सवारी से आप नहीं गए थे सवारी वहीं बांध दी गई तो हम थोड़ा देखते हैं दो हिस्सा इसके हैं कि आपकी जो जो सफर है कहां से शुरू हुआ अल्लाह के नबी हम बहुत जल्दी जल्दी इसको देखेंगे और ये बहुत इतफाक की बात है हुसन इतफाक़ है कि इसरा और मेराज के ताल्लुक़ से जितनी रिवायतें यानी अक्सर रिवायतें वो बुखारी मुस्लिम में हैं और एक बात यहाँ और भी जान लीजिए कि इसरा और मेराज के ताल्लुक से बहुत सारी ज़ीफ़ और गरीबी हदीसें हैं बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत सारे मुक्रीन बयान करने में इतना लच्छार तकवीरें करते हैं और पूरा बयान करते हैं जिसको पढ़ना है वो हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहम्ला की किताब है वाक मेराज वो शख्स उसको पढ़ सकता है उसमें उन्होंने वो सारी हदीसें एक तरफ जमा कर दी है और सारी ज़ईफ़ और गढ़ी हुई सारे जो है रिवायतों को एक तरफ जमा कर दिया है और जो गढ़ी रिवायत ना उसकी तादाद बहुत है जिसको लोग बयान करते हैं तो वह हम सब नहीं देखेंगे हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये वाकया जब नबी की जिंदगी में हुआ तो क्या हुआ कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ इसमें देखिए अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं ये बुखारी की रिवायत है कहते हैं फुर या बैती मेरे घर की छत फटी वो अना भी मक्का जबरील और मैं मक्का में था और जबरील नाजिल हुए आप घर में थे जबरील आए और आपको आपके घर से उठा के ले गए कहां ले गए आप फरमाते हैं अना बैत बैन आपके घर से जबरील आपको उठा के कहां ले गए मस्जिद हराम या बैतुल जो है बैतुल्ला ले गए मस्जिद हराम के पास ले गए और आप सोने और जागने की हालत में थे जैसे एक आदमी मुकम्मल सोया ना हो बस नींद आने वाली हो तो ऐसा था और आपको उठा के वहां ले गए तो मतलब यह हुआ कि शुरुआत कहां से आपके घर से है वहां से फिर मस्जिद हराम ले जाया गया और फिर वहां से फिर वहां ले जाके कि क्या किया गया मस्जिद हराम आपको ले जाया गया वहां ले जाने के बाद क्या हुआ आप फरमाते हैं कि सब बुखारी की रिवायतें फ शुक्का मिना नहर इला मरा मेरा बतन फिर मेरे नहर से यानी हलक से लेकर के और पेट के नीचे तक पूरा चीर दिया गया फाड़ दिया गया एकदम ओपन हार्ट फिर क्या किया गया फस्तुखा कल भी फल भी माई जमजमा फिर मेरे दिल को निकाला गया और उसको जमजम के पानी से धुला गया जमजम से धुला गया सुमा जाहब फिर एक तश्तरी लाई गई ये आप पूरा बयान करें फिर एक तश्तरी एक प्लेट लाया गया और मुमतली बे हमत ईमानन जो ईमान और हिकमत से भरी हुई थी एक प्लेट लाया गया तश्तरी उसमें क्या भरा था प्लेट में उस ईमान और हिकमत भरा हुआ था अफरमातेदरी फिर उसे मेरे, उसे मेरे सीने में डाल दिया गया ईमान और हिमत मेरे सीने में डाल दिया गया फिर उसके बाद उसको सिल दिया गया क्योंकि ये आपको प्रिपेयर किया गया तैयार किया गया क्योंकि आगे जहां आप जाने वाले हैं जो आप देखने वाले हैं वो आम इंसान के दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो अजाइबात जो वाकयात आप देखेंगे आंखों से वो मामूली दिल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आपको पहले से तैयार किया गया प्रिपेयर किया गया ताकि आपका दिल इतना मजबूत हो जाए इतना आप तैयार हो जाए कि आपका दिल उसको देखने के बाद कबूल कर ले आप घबराएं नहीं सारी चीजें तो ये हुआ उसके बाद आप फरमाते हैं कि उती तो बिल बुराक आ फरमाते हैं कि फिर मेरे पास जो है बुराक लाई गई ये हो गया पूरा उसके बाद बुराक लाई गई बुराक क्या है वह हुआ दाब बतुन अब अबियस तवील आ फरमाते हैं एक लंबी सफ़ेद जानवर है एक लंबा सफ़ेद जानवर जो गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा आपने उसके बारे में बताया आज बहुत सारे लोग बुराक की सवारी वो उसका इमेज बनाते हैं और वो कैसा बनाते हैं आप देखे होंगे बुराक को कैसा बनाते लोग हाँ नीचे पूरा जानवर और ऊपर जो है चेहरा औरत का है ये आर्टिस्ट वहां था क्या जो आप बताइए इसको कहाँ से मालूम हो गया और उस पर कवाल की टोपी लगा देता है ये जो है इसको क्या मालूम हाँ कुछ भी जैसी नीयत वैसी, वैसी वैसा बनता भी है तो औरत का चेहरा लगा रहा है उस जानवर पर आप फरमाते हैं वो एक जानवर है जो सफेद और जो है लंबा था जो गधे थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा इंडा उसकी निगाह जहां पड़ती थी उसका कदम वहां पड़ता था लास्ट उसकी निगाह जितनी दूर उसकी निगाह पड़ती थी उसका कदम वहां पहुंच पड़ता था यानी प्लेन से भी तेज बात है इतना तेज रफ्तार सवारी है। तो ये जो है ऐसा इतना तेज रफ्तार ये सवारी थी उसके बाद आप फरमाते हैं फराकिब तो मैं उस पर सवार हुआ और उसके बाद मैं उस पर सवारी करके बैतुल आया फिर उस सवारी को जबरील ने वहां बांध दिया जहां सारे अंबिया अपनी सवारियां बांधा करते थे अपने जानवर बांधा करते थे उस जानवर को एक हल्का था जहां और अंबिया जो इससे पहले गुजरे हैं जहां जहां अपनी जानवर को बांधते थे सवारी को वहीं ले जाकर के उसको बांध दिया उसके बाद क्या हुआ वहां पहुंचने के बाद आप फरमाते हैं कि अतई ना अला बैतुलमकदिस तो बिन नबीन वसलीन इमामन बैतुलमकद में आया और उसके बाद मैंने वहां सारे अंबिया और नबियों की इमामत कराई इमाम बनकर के मैंने नमाज पढ़ाई अंबिया और रसूलों की इमाम बनकर के मैं इमाम था मैंने उनको नमाज पढ़ाई इसमें एक सबक ये भी है बताया गया कि सारे अंबिया और रसूल अगर मौजूद हो तो इमामत का हकदार कौन होगा जनाबे मोहम्मद रसूल इतनी बड़ी बात है कि जिन्होंने सारे नबियों की इमामत कराई आज कितने मुसलमान हैं जो नबियों के इमाम की बात को छोड़ देते हैं अपने बनाए हुए इमाम की बात के आगे आप बताइए कितनी बड़ी बात है ये नबी का मकाम है सारे अंबिया मौजूद हैं इमामत का हक नबी को है और आज उसी नबी की अगर कोई बात आ जाए और आदमी छोड़ दे इसलिए कि उसने जो इमाम बना के रखा है दुनिया में उसकी बात के आगे इमामुल अंबिया की बात छोड़ दे रहा है तो यह अफसोस है और इसमें आदमी को गौर करना चाहिए और डरना चाहिए उसके बाद आप फरमाते हैं दुनिया तो ये हो गया यहां से आप बैतुलिस गए और उसके बाद वहां नमाज पढ़ाई और उसके बाद फिर आप वहां से आसमान की जानब गए तो ये एक हिस्सा है जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आप किससे गए बुराक से गए वो जन्नत से लाई हुई सवारी थी जो वो जानवर जो जन्नत से आया था अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ स्पेशल इस इसमें भी अल्लाह ताला ऐसा भी कर सकता था नबी को वहां से फौरन पहुंचा देता बेगैर सवारी के भी कर सकता था अल्लाह ताली लेकिन इसमें एक इज़्ज़त वलवाने का इसमें इज्जत है जैसे कोई बादशाह किसी को अपने घर बुलाना चाहे और सवारी भेजता है एक इज्जत के साथ तो इसमें एक नबी का एहतराम था एक इज्जत थी कि बाकायदा जबरील को भेजा गया सवारी के साथ भेजा गया और वहाँ से ले करके आपको वहाँ जाया गया तो ये एक इज्जत और अहतराम था आपका अच्छा उसके बाद फिर आप फरमाते हैं फसल तो फी रक मैंने दो रकात नमाज़ पढ़ाई कितनी रकात पढ़ाई थी आपने दो रकात नमाज कहाँ पर बैतुलमकदस ने तो मैं खरज तो फजा अनि जबरीलम फिर मैं जब निकला यानी नमाज पढ़ा के बाहर निकला तो फिर मेरे पास जो है जबरील एक प्लेट लेकर के आया आयान व इनाइमिन लबन एक प्याला दूध से भरा हुआ था और एक प्याला शराब से भरा हुआ था मेरे पास एक तश्तरी लाएगी दो प्याला उसमें एक प्याला दूध का एक प्याला शराब का फखतर तो लबना फका जबरील इख्तर तलफित तो मैंने दूध को चुन लिया मैंने क्या उठाया दूध को दूध वाला प्याला उठाया और उसको छोड़ दिया शराब को तो जबरील ने कहा कि आपने फितरत को चुना है फितरत फितरत से मुराद दीन है बच्चा जो पैदा होता है फितरत पर पैदा होता है यानी वो इस्लाम दीन पे पैदा होता है बाद में लोग कुछ भी बना लें इसलिए ख्वाब में अगर कोई आदमी दूध देखता है तो ये इल्म की पहचान है फितरत की पहचान है तो आपने फितरत को जो है जिब्रील ने कहा कि आपने फितरत चुन लिया दूध उठाया तो कहा फितरत को चुन लिया उसके बाद ये वाकया यहीं तक एंड उसके यहां तक इतना वाक हुआ मस्जिद से बाहर निकले बैतुल बैतुलमक से आपके सामने पेश किया गया दो प्याला एक शराब का एक दूध का आपने दूध लिया ये हो गया उसके बाद फिर यहां से अब दूसरा सफर शुरू होता है आसमान का मैं बहुत तेजी से गुजरता हूं क्यों ताकि जो है वक्त के अंदर सब हो जाए और बहुत सारी बातें मैं छोड़ भी दूंगा क्योंकि जो है उसकी जरूरत ना होने की वजह से आप फरमाते हैं फंताला भी जिबरील फिर मुझे जबरील लेकर के आगे बढ़े आसमान की जानब और भी रिवायतों के अल्फाज हैं कि सुम्मा और भी मेरे लिए सीढ़ी लगा मेराज का मतलब सीढ़ी होता है मेराज का मतलब क्या होता है सीढ़ी अरबी में मेराज जो है सुल्लम भी कहा जाता है तो वो सीढ़ी के माने में आता है फिर वहां से आपको ऊपर ले जाया गया ऊपर ले जाया गया बुराक तो यहीं बांध दी गई थी फिर वहां से आपको आसमान की तरफ जिब्रील लेकर के गए तो आप फरमाते हैं फंतल का भी जिब्रील मुझे जिब्रील लेकर के ऊपर की जानिब गए दुनिया यहां तक कि आसमान दुनिया पर हम पहुंचे पहला आसमान जो दुनिया से नजदीक है जो दुनिया से दिखता है उसको आसमान दुनिया कहा जाता है यानी वो आसमान जो दुनिया से दिखता है आसमान दुनिया तक हम पहुंच गए फकील अमन हाजा तो जबरील ने क्या किया जबरील ने उसको खुलवाया यानी उसको जैसे हम नोक करते हैं दरवाजा तो इससे मालूम होता है कि जन्नत हर आसमान में दरवाजे हैं आसमान में दरवाजे लगे हैं और हम पढ़ते हैं सुर नबा फती हादी समा फकान तो जो है तो दरवाजा खुलवाया जिबरील ने तो अंदर से सवाल है अंदर से पूछा गया कीला मनहाजा पूछा कौन अंदर से पूछा कौन तो काला जिबरील कहा जिबरील इसे मालूम होता अगर कोई आदमी पूछे कौन तो क्या बोलना चाहिए आदमी बोलता मैं मैं हूं मैं के, नाम बताओ भाई तो कभी कभी ऐसा होता है अगर आदमी कहीं पहुंचा पूछा, पूछा जाए कौन है तो मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं तो हर आदमी मैं होता है तो नाम बताना चाहिए इसे मालूम होता है तो जब पूछा कौन तो कहा जिब्रील किला मम कहा, कहा साथ में कौन है पूछा साथ में कौन काला मोहम्मद कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किला वद और सिलाई लई कहा कि लाने के लिए भेजा गया था इनको साथ में जो लेके आया और लाने के लिए भेजा गया था आपको इजाजत है काला नाम कहा किला मरहबा भी फनी अमल मजीब हो जा कहा कि मरहबा वेलकम ठीक है आइए और कितना अच्छा आना है यानी जिसको लाने के लिए जिबरील को भेजा जाए वो कितना बड़ा बड़ी शख्सियत होगी कहा कि मर वेलकम आइए फत फ़, फतहा फ़, दरवाजा खोल दिया गया इससे क्या मालूम होता है हर आसमान में दरवाजे हैं और जिबरील को भी अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है इजाजत लेनी पड़ती है जिबरील भी आसमान में बगैर इजाजत के नहीं जा सकते मतलब जो अल्लाह ने जिसको मुकर किया पूछेगा कौन और आज देखिए बाबा बाकायदा बिल्कुल तेजी के साथ जाते हैं और लोहे महफूज में देख के आते हैं कि क्या लिखा है हाँ आप बताइए ऐसे कितनी कहानियां आप सुने बाबा ने एक झपक मारा और लोहे महफूज में देख लिया कि लड़का है कि लड़की क्या पैदा होने वाला सब देख के आ गए जिब्रील को दरवाज़ा खुलवाना पड़ता है और ये चेक पोस्ट है पूछा जाता है और ये कौन सा बाबा जाके पूरा देख के चला आता है तो ये जो है इससे मालूम होता है सब बदअकीदगी लोगों में इस तरह से फैली है बहरहाल दरवाज़ा आसमान का खुला पहले आसमान का दरवाजा खुला उसके बाद आप अंदर गए और अंदर जाने के बाद किससे अल्लाह ताला ने हर आसमान में कुछ नबियों को वहां रखा था अभी देखिए सारे नबी यहां थे कहां बैतुलमकद में और आपने इमामत कराई आप ऊपर गए तो वहां भी हर आसमान में कुछ नबियों को आपने देखा ये अल्लाह ताला की कुदरत है अल्लाह जो चाहे कर सकता है हालांकि सारे अंबिया अपनी कबर में ईसा ईसाई सलाम को आप छोड़ दें तो बकिया जो अंबिया कबर में गए तो उनका जिसम तो मिट्टी नहीं खा सकती है जिसम जिसम कहाँ है कबर में लेकिन फिर वहां कैसे अल्लाह कुछ भी कर सकता है उलमा ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसा भी कर सकता है कि उस वक्त के लिए वहां उनको जमा किया और ऐसा भी कर सकता है कि उनकी रूहों को अल्लाह ताला ने एक जिस्म दे दिया जिस्म तो कब्र में है लेकिन उनकी रूहों को अल्लाह ने एक जिस्म दे दिया और उस वक्त नबी से मुलाकात के वक्त नबी ने इमामत कराई या आसमान में जब आप गए तो वहां भी अल्लाह ताला ने ऐसे मुलाकात कराई तो हर आसमान में पहले आसमान में कौन मिले आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान में गए तो आदम सलाम जिब्रील ने कहा सलाम करो सलाम किया उन्होंने जवाब दिया जवाब दिया कहा नेक बेटे के लिए और नेक नबी के लिए मुबारक हो बशार हो तो उन्होंने पूरा तारीफ किया इतनी बातें हुई फिर आप जिब्रील उनको लेकर के दूसरे आसमान अब ये पूरी लंबी रिवायत है कि हर आसमान पे जाने के बाद दरवाजा खुलवाना पड़ा हर आसमान में हर आसमान में जाने के लिए दरवाजा और हर दरवाजे पर जिब्रील को पूछा यानी इजाजत देनी पड़ी और वही सवाल जवाब हुआ जो पहले आसमान के वक्त हुआ था कौन साथ में कौन लाने के लिए भेजा गया तो ऐसे दूसरे आसमान पे गए उनसे वहां किससे मुलाकात हुई वहां पर दूसरे आसमान में कौन है हजरत ईसा और यही तीसरे आसमान पर गए वही सवाल जवाब उसके बाद वहां किससे मुलाकात हुई हजरत इद्रिसम उसके बाद चौथे आसमान पर यूसुफ यूसुफलम पाँचवें आसमान पे हज़रत हार हारन सल्लाम और छठे आसमान पे मूसा और सातवें आसमान पे अच्छा मूसा से मुलाकात हुई उनसे भी सलाम कलाम हुआ उसके बाद जब आगे बढ़ने लगे आप आगे बढ़ने लगे तो मूसा सलाम रोने लगे मूसा सलाम थोड़ा रोने लगे तो पूछा गया क्यों रो रहे हैं कहा कि ये लड़का जो मेरे बाद नबी बन के आया लेकिन इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएगी तो ये रोना हसद के लिए नहीं था हसद के लिए नहीं था बल्कि क्योंकि मरने के बाद तो हसद खत्म दुनिया में हसद होता है मरने के बाद क्या ये इसलिए था कि उनको एक अफसोस अपनी उम्मत पर था कि मेरी उम्मत बनी इसराइल इतनी बड़ी तादाद थी लेकिन मानने से इनकार किया अगर मानती तो कितनी बड़ी तादाद होती हाँ बन इसराइल की तो एक अफसोस था अफसोस का आंसू अपनी उम्मत के लिए कि मतलब मेरे बाद एक लड़का आया नबी बनकर के उसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी काश मेरी उम्मत भी अगर मान ली होती तो आज उनकी भी तादाद ज्यादा होती तो बहरहाल रोने लगे उसके बाद जो है फिर आप सातवें आसमान पे गए वहां भी सवाल जवाब हुआ जिबरील से और पूरा जो है सातवां आसमान का दरवाजा खुला वहां आप गए वहां आप गए तो वहां किससे मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम से इब्राहिम सातवें आसमान पर वहां अल्लाह तला ने उस वक्त उनको वहां जमा किया और मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने भी सलाम कलाम हुआ जवाब हुआ उसके बाद जो है इब्राहिम सलाम ने कुछ पैगाम दिया अल्लाह के नबी वसल्लम के जरिए इस उम्मत को पैगाम दिया कि जाके अपनी उम्मत को बता देना आप फरमाते हैं कि इब्राहिम ने कहा या मोहम्मद अकई उम्मत का मेरी जानिब से सलाम कह देना ये तिर्मिजी की रिवायत सही रिवायत है ए अपनी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम कहना और ये बता देना व अखबिरहुम अखबर जन्नत तैयब ये बता देना कि जन्नत की मिट्टी बहुत पाकिजा है बहुत पाक मिट्टी है रोज बतुल पानी बहुत मीठा है यहाँ का पानी बहुत मीठा है वह अनहा की आन और यहाँ की जो जमीन है एकदम जिस तरह चटियल मैदान हो और जो है आदमी अपने हिसाब से जो गार्डन चाहे लगा ले तो यहाँ की जमीन ऐसी है कि जितना चाहो गार्डन बना लो और यहाँ का दरख्त लगाना क्या है यानी जमीन तो खाली पड़ी है लेकिन जो चाहे इसमें दरख्त अच्छे अच्छे पौधे लगा ले और यहाँ के वीरा साबहनदुल्ला अकबा जाके अपनी उम्मत को बता देना कि यहाँ का गार्डन अगर बनाना चाहता है तो यहाँ का दरख्त क्या है सुबहानल्लाहमदिल्ला अकबर यानी इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा पौधा लगा रहे थे प्लांट लगा रहे थे अल्लाह के नबी गुजरे पूछा अबू हुरैरा क्या कर रहे हो दरख्त लगा रहा हूं क्या करने के लिए बड़ा होगा साया देगा फल देगा कहा इससे अच्छा प्लान बताऊं दरख्त बताऊं तो कहा अल्लाह के नहीं बताइए कहा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह अकबर ये कह हर कलमे के बदले जन्नत में एक दरख्त लगेगा तो इब्राहिम स्लम ने वही मैसेज दिया अपनी उम्मत को जाके बोल देना जन्नत का गार्डन बनाना चाहते हो जमीन खाली पड़ी है जितना अच्छा बाग बनाना चाहते हो बनाओ तरीका क्या है सुबहन अल्लाह अल्ला अकबर और नबी ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे कलिमात चार हैं यही चार कर अल्लाह को सबसे प्यारे कलि सुबह अल्लाह अलहमद लाला अकबर नबी फरमाते हैं कि सूरज जितनी चीजों पे तुलू होता है जितनी चीजों पे सूरज निकलता है उन सारी चीजों में सबसे अफजल चीजें चार है सुबह अल्लाह अकबर तो ये एक जिक्र है कर जितना कहेंगे उतना जन्नत बेहतरीन बनती चली जाएगी तो ये पैगाम किसने दिया इब्राहिम सलाम ने कहा जाके अपनी उम्मत को कह देना अच्छा एक रिवायत में और है कि काला ला वला कुवता इल्ला बिल्लाह ये भी अल्फाज हैं एक रिवायत में कि जन्नत का जो दरख्त है लगाना है तो ला वला इल्ला बिल्लाह ये भी अल्फाज ऐसे ही रिवायत है तो ये भी है तो जन्नत के खजानों में से खजाना भी है और हैत इब्राहिम ने यह भी मैसेज दिया कि यह भी जन्नत का पेड़ लगा सकता है आदमी इससे भी बढ़ा सकता है अपने जन्नत के पेड़ को ये इतनी बात हुई उसके बाद अल्लाह के नबी नबीम फरमाते हैं कि इला मुंतहा फिर सातवें आसमान पर मेरे लिए मुंतहा बुलंद की गई मुंतहा सिदरा बैरी के पेड़ को कहते हैं बैर के पेड़ को सिदरा कहा जाता है तो सातवें आसमान पर भी एक दरख्त है साथ में आसमान एक जिसको कहा जाता है मुंतहा मतलब कि वो हद है वो हद है वो लिमिट कि नीचे से जितनी चीजें ऊपर जाती हैं वो वहीं तक जाती हैं उसके आगे जो हैं फरिश्ते वो उसको ले लेते हैं ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आता है तो वहीं तक आता है नीचे वाले ले लेते हैं वो समझिए हद है मुंतहा एक हद है तो वहां इसलिए इमाम नवई फरमाते हैं कि उसके आगे कोई जिब्रिल भी उसके आगे नहीं जा सकते उसके आगे नहीं जा सकते वो हद है राम नवी ने कहा कि अल्लाह के नबी नबीसम गए उसके आगे कुछ दूर गए होंगे जो भी है और वो हद है बहरहाल तो वहां अल्लाह के ने फरमाते हैं कि मुंतहा मेरे लिए बुलंद की गई मुंतहा मुझे दिखाया गया उठाई गई मेरे सामने और मैंने उसको देखा और अल्लाह का जब जो है अल्लाह की तजल्ली जब उसके ऊपर होती है अल्लाह का नूर तो ऐसा खूबसूरत हो जाता है वो पेड़ वो दरख्त आपने कहा उसके पत्ते उसके पत्ते जो है हाथी के कान की तरह इतने बड़े बड़े और उसका फल जो है मटका जो होता है मटके की तरह से और जब अल्लाह की तजली उसके अल्लाह तजल्ली फरमाता है उसके ऊपर तो इतना खूबसूरत हो जाता है वो कि आप फरमाते हैं कि कोई मखलूक में से कोई उसकी तारीफ नहीं कर सकता है उसका हुस्न कोई बयान नहीं कर सकता है जब अल्लाह अपनी तजल्ली फरमाता है उस पर तो ये आपने आपको दिखाया गया मुंतहा आपने उसको देखा उसके बाद आपको वहीं पर यह दिखाया गया कि चार नहरें उसी मुंतहा की जड़ से निकलती हैं चार नहरें उसी की जड़ से निकलती हैं दो नहरें आपने कहा कि दो नहरें जबरील ने कहा कि दो नहरें जन्न बातिन है छिपी हुई हैं कहां है वो वो जन्नत में है और दो नहरें जाहिर है जो दिखाई गई वो दुनिया में है दुनिया में कौन सी है नील और फुरात नील नील और फुराद। इसकी असल है जन्नत में? से चार नहरें निकलती है दो अल्लाह ने असल जन्नत में जैसे की असल है? की असल जन्नत है। आदम को वहां से निकाला गया तो असल जन्नत में लेकिन अब यहां पर है फिर वापस मिलेगा वही ऐसे ये दो नहरें नीलो फराद इसकी असल जन्नत में जड़ से बहरहाल आपको चार नहरें दिखाई गई उसके बाद आपको मामूर दिखाया गया एक घर दिखाएगा बैतुल मामूर एक घर है और वो फरिश्तों की इबादत का घर है जैसे दुनिया में खाने काबा है बड़ा घर ऐसे आसमान में फरिश्तों की इबादत के लिए बैतुल मामूर है आप फरमाते हैं कि मेरे लिए बैतुल मामूर ज़ाहिर किया गया और मैंने पूछा है जिब्रील ये क्या है कहा कि ये बैतुल मामूर है और इसके अंदर सत्तर हजार फरिश्ते रोजाना दाखिल होते हैं इबादत के लिए इस घर में सत्तर हजार फरिश्ते जाते हैं और जब एक बार कोई निकलता है तो दोबारा उसकी बारी कभी नहीं आती एक बार इबादत करके निकल गया आज गया इबादत करके निकला तो दोबारा फिर इसकी बारी कभी नहीं आएगी हुमाय आलम जुनूद रबी का तेरे रब का लश्कर इतना है कि कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा अल्लाह ने कुरान में कहा तेरे रब का लश्कर कोई नहीं जानता सत्तर हज़ार फरिश्ते रोज आना इंट्री उसमें जाते हैं दाखिल होते हैं और एक बार जब निकलते हैं तो वह सत्तर हज़ार की बारी कभी नहीं आएगी फिर और रोज आना ऐसे तो आप अंदाज़ा लगाएं ये जो है बैतुल मामूर है उसके बाद आप फरमाते हैं कि फिर वहां पर भी वहां पर भी बैतुल बैतुलम दिखाने के बाद वहां पर भी मेरे सामने तीन प्याला पेश किया गया एक शराब का एक शहद का एक दूध का एक शहद का एक दूध का और आफर फरमाया कि मैंने जो है फ अखस्तुल लबना मैंने दूध का प्याला ले लिया फकाल ही फित्र जबरील ने कहा ये फितरत है आपने तो मतलब दुनिया के अंदर यहाँ जब आप नीचे से जा रहे थे तो वहां भी बैतुल बैतुलमकद के पास पेश किया गया और वहां पर आपको तीन बाद रिवायतों में चार का भी जिक्र आता है कि एक पानी का भी था बहरहाल आपने दूध को लिया और उसके बाद जो है आप ने कहा कि आपने फितरत को चुन लिया इसी पर आप और आपकी उम्मत हैं अब उसके बाद जो है आपको पांच नमाजों का वहां तोहफा मिला जो अल्लाह से जो जो भी कलाम हुआ बात हुई वह तफसी आपको अल्लाह ताला ने पांच नमाजें दी पहले पचास नमाजें फर्ज हुई उसके बाद बार बार आप गए मूसा मूसा सलाम सलाम से सलाम ने बार बार आपको लौटाया वो तफसील है और बार बार आप गए नमाजें कम होती गई होती गई और उसके बाद लास्ट में कितनी बची पांच अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कि मेरा हुक्म बदलता नहीं यानी पचा, पचास जो नमाज का सवाब है ये फर्ज पांच है लेकिन सवाब पचास का है नमाज पांच वक्त की फर्ज है क्योंकि हर नेकी का सवाब दस गुना होता है तो पढ़ोगे पांच मिलेगा पचास का सवाब क्योंकि अल्लाह के यहां सवाब जो लिखा वही मिलेगा जो पहली दफा तय हुआ था तो इसमें बहुत सारे लोग इतराज भी करते हैं ऐसा कैसा अल्लाह को पहले से नहीं मालूम था मालूम था सब मालूम था अल्लाह ने फाइनल किया था क्या पहले ले जाओ पचास हो गया फाइनल नहीं किया था अल्लाह जानता है पहले कोई चीज देने के बाद कम करो तो शुक्र पैदा होता है ये शुक्र का जज्बा है अल्लाह उतना देता तो क्या होता तो अल्लाह ताला ने तखफी किया बंदे के लिए कभी कभी शुक्र का जज्बा पैदा होता है कि अल्लाह ताला तला अगर, अगर ऐसा अल्लाह कर सकता था लेकिन अल्लाह ने कम किया ये शुक्र पैदा होने के लिए कि ताकि बंदा शुक्र करे कि अल्लाह ताला कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने उतना बड़ा बोझ नहीं डाला तो ये आप वहां से पचास नमाजों का तोहफा यानी पांच नमाजों का तोहफ़ा आप वहां से लेकर के आए जिसका सवाब पचास उसके बाद वहां पर आप जन्नत में भी गए जन्नत में भी दाखिल हुए जन्नत में भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखा आपने नहरे कौसर जो आपको क़ियामत के दिन मिलेगी आप पानी पिलाएंगे वो भी आपने देखा मुशाह किया आपने बाकायदा देखा हाथ डाल के देखा आपने और पूरा तो नहरे कौसर आपको दिखाई गई जो मैदान मैशर में होगी यानी असल जन्नत में है कौसर जन्नत में है लेकिन उसका मैदान मैशर जब यानी सवाल जवाब होगा पूरा हशर के मैदान में उम्मत्ती जब आएंगे तो वहां भी वही नहर होगी उसका असल वहां होगा लेकिन उसका पानी यहां भी होगा जो आप पिलाएंगे अपनी उम्मतियों को एक बार जो पी लेगा वो दोबारा प्यास कभी नहीं लगेगा यानी जन्नत में जाने के बाद प्यास नहीं लगेगी प्यास भूख सब यहीं खत्म हो जाएगी कहाँ पर हशर के मैदान में वो पानी पीने के बाद जन्नत में जो बंदा खाएगा और पिएगा वो भूख प्यास के लिए नहीं वो मजे के लिए इधर टेस्ट के लिए आदमी खाने के बाद आइसक्रीम क्यों खाता है भूख के लिए नहीं मजा है लेने के लिए ऐसे जन्नत में हर नेमत जो है भूख वहाँ भूख प्यास तो पहले ही खत्म हो गई है वहाँ सब तो ये जो है ये कौसर की जो है नहरे कौसर की जो है उस पानी की इतनी बड़ी जो है अहमियत है कि मतलब वो, वो खत्म ओ पी लेने के बाद सब खत्म हो जाएगा तो आपको दिखाएगा जन्नत में नहरे कौसर आपने फिर जहन्नम को भी देखा जहन्नम भी दिखाई गई आपके सब बुखारी मुस्लिम की रिवायतें आपको जहन्नम दिखाई गई जहन्नम के दारोगा को आपने देखा जिसका आपने मालिक नाम जिक्र किया है मालिक जहन्नम का दारोगा मालिक उसको भी आपने देखा आपने इसी व उसी उसी रात में आपने दज्जाल को भी देखा दिखाया गया दज्जाल आपने बाकायदा जिक्र किया बुखारी मुस्लिम की वजह करत दज्जाल आपने उसमें दज्जाल का भी जिक्र किया कि आपको दज्जाल भी दिखाया गया अब आज लोग दज्जाल मानते नहीं वो दज्जाल कोई आदमी थोड़ी है वो तो कॉन्सेप्ट है वो तो फला है वो तो एक सिस्टम है ऐसा आज बहुत से लोग आपको मिलेंगे दज्जाल कोई आदमी नहीं है वो सिस्टम है सिस्टम दज्जाल है वो डॉलर दज्जाल है और वो करेंसी पर क्या क्या मतलब भाई अल्लाह के नबी सल्लम बोल रहे हैं आदमी है वो दिखाया गया नबी को और आपने कितनी रिवायतें बयान करी है? वो आदमी है लेकिन ना मानने वाले लोगों को समझ में नहीं आता तो आपने जिक्र किया कि आपको जो है आपने जब जिक्र किया कि आपको ईसा दिखाए गए सलाम दिखाया गया और उसी के साथ में आपने जहन्नम के दारोगा को बताया जो मालिक दारोगा था उसको भी आपने बताया और दज्जाल का भी आपने जिक्र किया कि वो भी आपको दिखाया गया फिर आपने जहन्नम के अंदर मुशाहिदा किया कुछ लोगों का कौन लोग थे आपने फरमाया कि एक कौम थी कुछ लोग थे जो अपने होठ को कैंची से काट रहे थे आग की कैंची से अपने होठ को काट रहे थे पूछा गया कौन है कहा जबरील ने कहा कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं वो खुतबा हैं वो खतीब हैं वो लोगों को समझाने वाले बताने वाले तकरीर करने वाले वो लोग हैं जो लोगों से कहते थे, थे जो बात वो करते नहीं थे खुद अमल नहीं करते थे और अल्लाह की किताब पढ़ते थे लेकिन अमल नहीं करते थे लोगों को बयान करना लंबी लंबी तकरीरें अच्छेदार तकरीरें करना खुद जिंदगी में अमल नहीं तो ये लोग अपनी ज़बानों को आग की कैकी से काट रहे थे ये जो है सही रिवायत है तो बहरहाल ये उसके बाद आपने गीबत करने वालों का अंजाम दिखाया गया आपको एक कौम है जिसके ताँबे के नाखून है अपने चेहरों को नोच रहे हैं सीने को नोच रहे हैं आपने पूछा कौन लोग हैं जिब्रिल ने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जतों में चलते थे लोगों की इज्जतें बर्बाद करते थे यहाँ अकीबत वहां अकीबत तो ये आपको उनका अंजाम दिखाया गया उसके बाद जबरील को अल्लाह के नबी ने उसी रात में असली शक्ल में देखा जबरील को उनकी असली शक्ल में एक बार दुनिया में देखा था और एक बार आपने वहाँ आसमान मेराज की रात में उनको असली शक्ल में देखा और अल्लाह के डर से बिल्कुल ऐसे हो गए थे जबरील जैसे एक फटा पुराना बोरा होता है टाट इतना ऐसा मतलब उनकी हालत थी अल्लाह के डर से तो ये आप दिखाया गया आपको बहरहाल ये वाक़ हो गया इसमें और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ये वाक्य आपको इतनी सारी चीज़ें उसके बाद आप लौट के आए कहाँ लौट के आए आप वापस बैतुल बैतुलमकद आए बैतुल बैतुलमकद जो सवारी थी उसी सवारी से आप वापस कहाँ आए वो बुराक से वापस आप क्योंकि जमीन का सफर फिर वहीं से वापस बुराक से आप बैतुल्ला यानी मस्जिद हराम आए मस्जिद हराम आ गए उसके बाद जो है सुबह हुई आप आए उसके सो भी गए आने के बाद आप सोए वहाँ और उसके बाद फिर सुबह हुई और उसके बाद फिर वो लंबा वाक़ा कुरैश का पूरा अल्लाह के फरमाते हैं कि कुरैश मुझे डर लग रहा था कि कुरैश को बताऊंगा तो इनकार करेंगे क्या क्या बोलेंगे और आ फरमाते मैं गमगीन होकर के बैठा था काने काबा के पास कि लोग झुटलाएंगे मुझे इतने में अबू जहल अल्लाह का दुश्मन आया आगे बाजू में बैठा कहा कि क्या है कुछ है वैसे होता है मजाक कुछ है मजाक के पूछा कुछ है कहा हाँ कहा आज मेरी रात मुझे ले जाया गया आज रात मुझे ले जाया गया मेरी इसरा हुई कहाँ किधर कहाँ तक कहा बैतुलमकद कहा अच्छा सुबह आ भी गए क्योंकि तो उस वक्त सफर कितना था चालीस दिन का उस वक्त बैतुल्ला से मस्जिद अक्सा का सफर चालीस दिन का था तो नामुमकिन था एक आदमी जाए और रात में आ जाए कहा हाँ उसके बाद बहरहाल उसने पूरे कौम को जमा किया और इसीलिए कि अभी देखें पूरी कौम झुटला देगी पूरी कौम को जमा किया कहा बोलो अभी क्या बोले मेरे से आपने बताया तो कुछ लोग अल्लाह के नदी फरमाते हैं कुछ लोग तालियां बजाने लगे कुछ लोग ताज्जुब से अपने सर को पीट लिया पकड़ लिया क्या बोल रहा है और कुछ लोग जो है फिर जो लोग वहाँ गए थे कुछ लोग ऐसे थे जो सफ़र किए थे गए थे बैतुल बैतुलम मस्जिद अक्सा देखा उन्होंने सवाल करना शुरू किया आप बताओगे आपने पूरा बताना शुरू किया आप फरमाते हैं जब मैं बताने लगा मस्जिद अक्सा की सिफात बताने लगा तो मुझे थोड़ा सा शुभ हो गया भाई ज़ाहिर बात है आदमी हर चीज़ें इतनी इतना देखता नहीं है तो अल्लाह ने पूरी मस्जिद अक्सा मेरे सामने कर दिया और मैं पूरा देख देख के बता रहा था पूरा बता दिया तो उन लोगों ने कहा कि अल्लाह की कसम जो बता रहा है वो सही है जो बोल रहा है वो सही है उसके बाद जो है कुछ लोग भागते भागते वो बकर के पास गए और कहा तुम्हारे साथी क्या बोल रहे हैं ऐसा ऐसा पूरा कहा उन्होंने बोला उन्होंने कहा, कहा हां कहा अगर उन्होंने कहा तो सच है उन्होंने कहा तो सच है वो गए तो लोगों ने कहा आप मानते हैं बोले मैं इससे बड़ी बात मानता हूं वो तो ये भी कहते हैं कि रोजाना सुबह शाम आसमान से मेरे पास खबर आती है मैं इसको मानता हूं तो इसको मानने में क्या है तो बहरहाल ये जो है वाकया अल्लाह के नबी वसल्लम की जिंदगी में इसको इसरा और मराज कहते हैं और ये वाकया हुआ और कुरैश में इसलिए उसी वक्त हजरत अबू बकर का लकब क्या पढ़ादी असिद्दीक लकब उसी वक्त पड़ा अबू बकर सिद्दीक कि उन्होंने सारे लोगों के सामने कहा मैं सच मानता हूं इसको उसके बाद अभी पूरा वाक़ा इसमें बहुत सारी और तफी अल्लाह के अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा कि नहीं देखा सही बात है कि नहीं देखा अल्लाह तला को नहीं देखा सही रिवायतें ही हैं बहुत सारी रिवायतें हैं और लेकिन सही बात यही है कि अल्लाह ताला को क़यामत के दिन जन्नत में जाने के बाद जन्नती देखेंगे और उसके बाद दुनिया की आंख से कोई उसको जो है अभी नहीं देख सकता और अल्लाह के नबी ने भी नहीं देखा सही रिवायत यही है और उसके बाद जो है आप दुनिया में आ गए और सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी जयफ़ी रिवायतें हम छोड़ देते हैं बहरहाल ये जो वाक़ है महराज का इस्लामी तारीख में नबी की जिंदगी का बहुत अहम वाक्य है इस इस वाक्य से नबी की फजीलत नबी का मकाम नबी का मरतबा मालूम होता है कि अल्लाह ताली ने स्पेशल पूरे नबियों में पूरी दुनिया में एक ऐसी शख्सियत को अल्लाह ताली ने आसमान की सैर कराया जो किसी और नबी को अल्लाह ने नहीं दिया ये नबी का मकाम है और नबी के लिए तसली था अब सवाल यह होता है कि ये वाक़ ठीक है बहुत अहम वाक्य है अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि आज के दौर में जो हमारे समाज में ये रात को मनाया जाता है जश्न के तौर पे इबादत के तौर पे दो बातें हैं सवाल ये है कि ये कौन सी रात थी जिस रात में नबी की महराज हुई वो रात कौन सी थी तो उसको याद रखें कि जिस रात नबी की महराज हुई उस रात के ताल्लुक से वमा में बड़े बड़े वलमा में इख्तलाफ है क्या है इख्तलाफ है इबन हजर ने कम से कम दस कॉल जिक्र किया है किसी ने रबी अव्वल कहा किसी ने रजब कहा किसी ने अलग अलग महीना लोगों ने जिक्र किया है तो जब इतने बड़े बड़े उलमा में इतफाक नहीं है कि कौन सी रात थी कौन से महीना था इख्तलाफ है तो हम किसी एक रात को तय कर सकते नहीं कर सकते जब बड़े बड़े उलमा में इख्तलाफ है और उनके अंदर इतफाक नहीं है तो हम कैसे तय कर सकते हैं कि यही रात थी तो इससे मालूम होता है कि जो आज लोग सत्ताईस रजब को फिक्स कर दिया है सत्ताइस रजब सत्ताइस रजब मेराज की रात है ये सही नहीं है इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब वलमा में इतफाकत तो बगैर दलील के आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते यही है अच्छा अल्लाह तला की हमत भी है अल्लाह ने इसका इल्म उठा लिया इसका इल्म अल्लाह ने उठा लिया अल्लाह की हमत हो सकती है वरना अगर अल्लाह चाहता तो बाकायदा हर साल इस रात के ताल्लुक से लोगों को मालूम होता और वे रात लोग बाकायदा जानते लेकिन जब इतने बड़े बड़े वलमा में इख्तलाफ है एक तय इससे मालूम होता है कि अल्लाह ने इसका इल्म उठा लिया Allah ने इसका इल्म उठा लिया और अल्लाह की कोई हिकमत होगी अल्लाह ने बताया नहीं दूसरी बात यह जब इस रात के ताल्लुक से इख्त है तो फिर क्या इस रात को अपनी तरफ से तय कर लेना और तय करके जश्न मनाना जायज है आप बताइए अगर मान लो मिसाल के तौर पर तय कर लेते हैं सत्ताईस रजब मान लीजिए सत्ताईस रजब तय कर लो तो क्या करना चाहिए अगर, अगर अल्लाह के नबीसम की, की महराज की रात हम तय कर देते यही रात है Osionfish. हमको करना क्या चाहिए क्या करना चाहिए सवाल यह होता है नबी ने क्या किया नबी के सहाबा ने उस रात में क्या किया नबी की बीवियों ने उस रात में क्या किया राशिदीन ने उस रात में क्या किया मुबशरा ने उस रात में क्या किया है कुछ दलील अगर उन्होंने कुछ किया तो बताओ हम भी करेंगे क्या उन्होंने जश्न मनाया उस रात को इबादत के लिए तय किया नहीं किया तो जब उन्होंने नहीं किया जो नेकियों में हमसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले थे नबी की मेराज, उनकी आंखों के सामने नबी ने बता, बताया था बयान किया था और उन्होंने नबी की मेराज को नबी की जबान से सुना था पूरा वाकया उन्होंने सुना था उनके जरिए हम तक पहुंचाए जो पूरा वाकया है तो जब उन्होंने रात को तय नहीं किया अगर वो रात को तय करते तो आज रात में इख्तलाफ होता कभी इख्तलाफ नहीं होता इससे मालूम होता है कि सलफ में इस रात के ताल्लुक से कोई अहतमाम नहीं था पहली बात तो रात की तय नहीं कौन सी रात है तय नहीं है तय नहीं है दूसरी बात यह कि सलफ में हमको उस रात के ताल्लुक से कुछ भी नहीं मिलता है कि उन्होंने उस रात का अहतमाम किया हो कुछ लोग ये कहते हैं अगर कर लिए तो क्या हारज है भाई कर लिए तो क्या हारज है इतनी अहम रात नबी की महराज ठीक है बहुत अहम रात है बहुत अहम वाकया है लेकिन क्या किसी अहम वाक्य की वजह से कोई दिन या रात हम मना सकते हैं सवाल है तारीख में अगर कोई वाकया बहुत अहम वाकया हुआ हो क्या उस वाकये की वजह से हम कोई रात या कोई दिन तय कर लेंगे भाई फतेह मक्का कितना बड़ा वाकया था नबी की जिंदगी में मक्का फतेह हुआ जो मक्का वालों ने आपको निकलने पर मजबूर किया था आज मक्का फतेह हुआ सारे लोग खड़े हैं क्या उस दिन को हम मना सकते हैं फतेह मक्का तो तारीख में कोई दिन कोई रात अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ बहुत बड़ा वाक्य हुआ है हम अपनी तरफ से उसको तय नहीं कर सकते तो मेराज के ताल्लुक से भी यही मामला है पहली बात तो रात तय नहीं इख्तलाफ दूसरी बात यह है कि हमको सलफ में इस रात के ताल्लुक से कुछ भी नहीं मिलता है उन्होंने कोई एहतमाम नहीं किया कुछ भी नहीं किया आज लोग बाकायदा जश्न मनाना जश्न मनाते हैं उस रात को जागना इबादत करना और मखसूस इबादत है उसके अंदर मखसूस दुआएं हैं मखसूस नमाज में मखसूस रकात और मखसूस सूरह पढ़ी जाती है अलग अलग सूरतें आप बताइए कुछ लोग कजाय उम्री पढ़ते हैं कजाए उम्र जो महराज की रात का सबसे बड़ा तोहफा क्या है पांच नमाज पांच नमाज सबसे बड़ा तोहफा है महराज के वाक का ये दिन में पांच नहीं पढ़ता और महराज की रात में जाग के कजाए उम्र पढ़ रहा है आप बताइए पूरी उम्र की नमाज पढ़ रहा है और ये पांच नमाज नहीं पढ़ता कितना अफसोस का मकाम है कोई पढ़ रहा है सलादी कोई कजाय उमरी और कोई क्या क्या पढ़ रहा है तो बहरहाल ये जायज नहीं है दूसरी बात ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि है? है? है नहीं है क्या हरज है, भाई हरज यही है कि जो और ने नहीं किया आप उनसे आगे बढ़ रहे हो यही हरज है और अल्लाह के नबीम क्या फरमाते हैं जिसने ऐसा अमल किया करने के लिए मेरा हुक्म नहीं था वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट तो एक आदमी अगर दस साल बीस साल जश्न मेराज मनाया या शब मेराज के नाम से जश्न मनाया बीस साल तीस साल को इबादत किया लेकिन अल्लाह के यहां उसका कोई सवाब ना मिले तो यही तो यही तो नुकसान है करके भी कुछ फायदा नहीं क्योंकि तो अल्लाह के यहां कुछ मिलने वाला नहीं है अल्लाह फरमाता है हल बिल फिल सुना इसमें क्या बया, बयान किया गया इस आयत में उन लोगों की बुराई है जो लोग इल्म और यकीन के बजाय महज गुमान की बुनियाद पर अमल करते हैं जो गुमान की बुनियाद पर अमल करते हैं उनकी बुराई है इल्म छोड़ करके भाई न सहाबा ने कभी किया ना ताबेन ने किया और ना ही इमामों ने मुहदसिन ने ना कभी कुछ नहीं उन कोई दलील नहीं और आप कर रहे हैं इसका मतलब आप गुमान की वजह से कर रहे हैं तो बहरहाल खुलासा यह है कि शब माज की जो हकीकत है हकीकत अपनी जगह वाकया हुआ है बिल्कुल सही है कुरान हदीस से उस वाकये का सबूत है मेराज के वाकये का सबूत है लेकिन वो रात मनाने का सबूत हमको किसी भी हदीस से कुरान की आयत से सहाबा से नबी की बीवियों से खलफा राशिदीन से मुहदसिन से इमामान से कुछ भी नहीं मिलता इसलिए इस रात में जो कुछ किया जाता है वो क्या है वो सब विदात है खुराफात है और कोई बोलता है कर लिए तो क्या हरज है हरज है आप बताइए ईद के दिन जो ईद की नमाज होती है ईद की नमाज़ होती है ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर होती है अजान होती है कोई आदमी बोले भाई मैं आज जो है ईद की नमाज इतनी अहम नमाज है हर नमाज के लिए अजान होती है ईद के लिए क्यों नहीं मैं अजान दूंगा ताकि लोग ईद की नमाज के लिए आए कर सकते हैं वो बोलेगा मैं करूं तो क्या हरज है भाई अजान देना कोई गुनाह है क्या कोई बोला अजान देना गुनाह है क्या भाई यही सवाल हम उससे पूछ सकते हैं जो बोलता है शबे महराज है जाग लिए तो क्या है इबादत कर लिए तो क्या है गलत थोड़ी कर रहे हैं उससे पूछो तू करेगा ईद में अजान देगा बोलेगा नहीं क्यों नबी ने नबी साबित नहीं है नबी ने नहीं दिया सहाबा ने नहीं दिया तो जब नबी से सहाबा से जिस चीज का सबूत नहीं वो नहीं करेंगे तर्क करना छोड़ देना भी सुन्नत है और करना भी जो नबी ने किया वो करना सुन्नत है और जो नबी ने नहीं किया उसे नहीं करना सुन्नत है तो सुन्नत तर्क में भी होता है तो बहरहाल इस रात के ताल्लुक से जितनी बातें सब खुराफात समाज में है बचना चाहिए लोगों को दावत देना चाहिए वाकया बताना चाहिए वाकया अफजल है लेकिन रात मनाना ये गैर साबित नहीं, नहीं है गैर शरयी अमर है अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी की जो मराज है उस त्लुक से जो इल्म है उसे इल्म को हासिल करने की तोफ़ी दे और महराज का सबसे बड़ा जो सबक हमारी ज़िंदगी में है नमाज जिसका सबसे पहले हिसाब होने वाला है क़्यामत के दिन अल्लाह ताला हमें नमाजों का अहतमाम करने की तोफ़ी अदा फरमाए अल्लाह ताला हमें उन बुराइयों से बचने की तोफ़ी दे जो मेराज की रात में नबी को दिखाई गई खास तौर खासतौर गीबत करने वालों का अंजाम या दुनिया में जो बात कहना अच्छी बातों का हुक्म देना खुद नहीं करना ऐसा अंजाम अल्लाह ताला उन सारे बुरे अंजाम से बुरे कामों से बचने की तौफीक दे आमीन तकबल या रबाल आलमीन सुबहना व हमदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक